जैसे कि भैया थे नहीं उस टाइम पे, और कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। भाई की थार की वो क्लिप्स देखो, और भाई और इसके पापा बहुत इमोशनल हो गए थे देखकर। क्या हाल है सारे भाइयों के, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई टाइम हो रहा है 12:51 और भाई दोपहर के टाइम में धूप बहुत है आज, और अपने जा रहे हैं भाई अपने शहर में ही, थोड़ा काम है बीच में क्योंकि एक गाड़ी आ रही है, दिखाता हूँ आप लोगों को वहीं चल के। तो भाई अब आके बैठ चुके हैं अपने अपनी महिंद्रा थार में कुणाल भाई के साथ। भाई कैसे हो? बढ़िया। तो अब इसका बनाते हैं भाई फुल एक रिव्यू, और गाड़ी में कुछ थोड़ा बहुत काम हो रखा है, जैसे मेन लाइटिंग हो गई, ये वैगन वाले होते हैं ना, हाँ तो ये सब लगा हुआ है, तो इसका फुल रिव्यू बनाते हैं। और भाई ये बात तो सही है, गाड़ी में बॉडी रोल बहुत है, पर फील बैठने की जो है ना वो 18 लाख वसूल करवा देती है। अब आ चुके हैं भाई अपने थोड़े से पैच पे, आगे जाके बनाते रिव्यू, और वहाँ पर एक थार खड़ी हुई है। देखो जो स्टेयरिंग की स्मूथनेस मैं आप लोगों को बताऊँ वो ठीक ठाक है गाड़ी में, कुछ ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा है कुछ, और तीसरा गियर गाड़ी पकड़ चुकी है, और कसम से बताऊँ हल्का सा भी मुझे जर्क महसूस नहीं हुआ अभी तक। एक मिनट स्ट्रेच करके देखते हैं, बॉडी रोल तो देखो है। तो अब ऐसी बात है भाई, थार चला के अपनों को काफी मजा आया, और भाई एक याद आ गई अपनों को, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, अभी पिछले महीने फरवरी में मैं गया था दिल्ली, ऑटो डैडी कस्टम्स वाले जो हैं अंश चौधरी भैया, उनसे अपनी काफी अच्छी बनती है। तो भाई दिल्ली में जब उनके पास गया था तो उन्होंने कुछ नहीं बताया था, बस हमारी बात हुई थी BMW के लिए जिसका मैं रिव्यू करने गया था। जब वहां गया तो उन्होंने भाई एकदम से सरप्राइज दिया, वहां थार खड़ी हुई थी, और वो थार किसकी थी जो आप थंबनेल में देख रहे हो भाई, वो थार थी हमारे लेजेंडरी सिद्धू मूसेवाला भाई की। और वो रिएक्शन जो मेरा था ना भाई वो गाड़ी देख के बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि देखो लोग स्पेशली दूर दूर से उनके गांव मूसा जाते हैं वो गाड़ी देखने के लिए, और मतलब वो अपॉर्चुनिटी खुद ही मैं गया किस काम के लिए, और वो कोई सोच रहे उस चीज़, उन्होंने ना रिवील भी नहीं करा था स्टोरी पे ना, कि मैंने भी स्टोरी डालती तो हुआ कैसा। मैं वहाँ उतरता हूँ, मैंने मेट्रो से वहाँ पहुँचा एयरोसिटी से, मतलब वहाँ पे बसंत को ही, वहाँ से मैंने भाई टेम्पू करा, टेम्पू से मैं उतरा वहाँ पे, जैसे ही भैया थे नहीं उस टाइम पे, और सामने गया तो भाई वो थार खड़ी हुई थी, और मैं दूर दूर देखते आगे ना गत्ते से कवर थी वो, क्योंकि देखो शीशे वाली उनकी शॉप है तो सामने सब लोग दिखता है, और ऐसे देखो वहाँ खड़ी होगी गाड़ी तो होता ही है कि लोग आ जाएंगे फिर देखेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, तो आगे से गाड़ी ना कवर्ड थी, शीशे वगैरह कवर्ड थे उसके। मैं गया अंदर, भाई मेरे को ना लड़के ने कह दिया कि अभी वीडियो वगैरह मत बनाना। मैं देखो भाई कुछ हो गया था मुझे तो कसम से, मैं तो चुपके बनाने वाला था, पर जैसी भैया मैंने भैया सोचा भैया ने कहा कोई बना ले पर तू डालिया मत, उन्होंने मेरे को मना कहा था कि अभी एक महीने तक जब तक इसकी डिलीवरी नहीं होगी डालना मत, जिस दिन डिलीवरी हो गई उस दिन डाल देना। तो मैंने उसके भी वैसे डिलीवरी के भी 2 दिन बाद इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, जाके आप लोग चेक कर सकते हो। कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उनकी थार की, मूसेवाला भाई की थार की, वो क्लिप्स देखो, और भाई सल्यूट है उनको, और थैंक यू सो मच अंश भैया जो आपने मेरे को मौका दिया उस थार को कवर करने का। मतलब क्लिप भी नहीं बना, मतलब उसकी शूटिंग इतनी अलाउड नहीं थी, मतलब ऐसे किसी को भी, पर उन्होंने विश्वास दिखाया अपना और उन्होंने मेरे को वीडियो बना दी, थैंक यू सो मच। क्लिप्स आप लोग देख चुके होंगे भाई, मेरा रिएक्शन ऐसा था ना क्या देख लिया मैंने भाई, मतलब वो होता ही है ना गोलियों के निशान, आगे AK-47 के निशान थे उसमें, और शीशे थोड़े वो रखे थे, तो मतलब काफ़ी देख के बुरा भी लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि भाई सिद्धू भाई इस कार में, मतलब इस कार में वो सबको छोड़ के गए थे, इसी कार में हुआ था जो भी हुआ था वही, मतलब ऐसा लग रहा था यार ये वही कार है, देख के ना कुछ हो जाता है कसम से। और अब मैं घर वालों का रिएक्शन मतलब कुछ और था, जब मैंने इन्हें फोटो भेजी थी ना सब, अभी भी मैं दिखाता हूँ ना यहाँ पे चौक गए थे, और जिस दिन मैंने रील डाली उस दिन बहुत फोन आए थे मेरे को, ये कहाँ मिल गई, ये कहाँ मिल गई, तो एक बार घर वालों से पूछते हैं इनका क्या रिएक्शन था, ये तो पड़े रहेंगे 24 घंटे व्लॉग देखते रहेंगे भाई। तो भाई रावी की क्लासेस परसों से स्टार्ट होने वाली हैं 5th क्लास की, तो रावी जब तुमने पहली बार देखा था कि मैं जब तुम्हें फोटो भेजी थी सिद्धू मूसेवाले कार, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी फैन थी, मुझसे बड़ी फैन ये होगी
अब तो ये कुछ घटिया बीटीएस लोगों की हो गई है, पर पहले ये सिद्धू मूसेवाला की बहुत बड़ी फैन थी। तो कैसा तेरे को लगा था वो फोटो देख के? बहुत ज्यादा अच्छा। मतलब तो विश्वास हो रहा था, मैंने फोटो वैसे भेजी थी, नहीं विश्वास हो रहा था, और बुरा भी लग रहा होगा उनके लिए ना। बाकी मम्मी का रिएक्शन लेते हैं। तो मम्मी आपको कैसा लगा था पहली बार देख के? जब वो क्लिप्स देखी थी तो हम, मैं और इसके पापा बहुत इमोशनल हो गए थे देखकर। और मम्मी आपको कैसा लगा था जब मैंने आपको पहली बार, जैसी मैंने देखी थी ना गाड़ी, जब मेरे को फोटो खींचनी मैंने उसी टाइम मैंने मम्मी को फोटो, सबसे पहले मम्मी को ही फोटो भेजी थी कि देखो भाई मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, तो ये सारे लोग तैयार हो गए थे। मतलब कैसा रिएक्शन था आपका वो देख के? बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्राउड फील हो रहा था कि अनएक्सपेक्टेड था वो, बहुत अनएक्सपेक्टेड था एकदम से। मतलब मैं वहां पहुंचा ही हूँ और वहां गाड़ी खड़ी हुई थी आगे, मम्मी भी कह रही है कुछ भी, अरे उसकी नहीं है दूसरी थार है। और यहाँ मेरे दोस्तों का भी ऐसा रिएक्शन था ना, कई लोग कहते अरे लोग कितने वो हैं उसकी जैसी थार बना दी, फिर मैंने जब ढंग से दिखाई तो थार उनकी ही थी, सिद्धू पाजी की थार थी वो। सही बात, ये सारे लोग बहुत फैन थे। मेरे पापा भयंकर सेल्फी में गाना सुनते हैं गाड़ी में तेज तेज चला चला के। हमारे पापा ना थोड़े जवान से हैं, टैटू टूटू बनवा रखे हैं, कभी दिखाऊंगा। तो पापा बहुत बड़े फैन थे सिद्धू मूसेवाला के बेसिकली, ये तो बहुत बड़ी थी। मम्मी भी सुन इंडिया फैन है उसकी, तो मतलब हुआ था प्राउड फील हुआ था बेटा कहाँ पहुंच गया आपका, हो गया था। मतलब कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कि ऐसी जगह पहुंचेगा जहाँ पर, जब हम ब्याह जाते हैं ना पंजाब, तो मैं गर्त कहता था घरवाल से कि मूसा जाना, और देखो बिना मूसा जाए मिल गया वो चीज, मिल गई वो चीज जो ये चाहता था हमेशा से कि मुझे देखना है एक बार सिद्धू मूसेवाला के गांव जाना है, और अचानक से ऐसा मोमेंट, जाएंगे आगे भी जाएंगे एक बार तो विजिट करेंगे। बस दुख है कि वो हमारे बीच में नहीं है, इस बात का बहुत दुख। इस बार कार देखे ना गूज़बम्स आ रहे थे, कसम से कह रहा हूँ बहुत गूज़बम्स आ रहे थे मेरे को गाड़ी देख। बाकी ये वाली बात मैं आप लोगों से काफी टाइम से डिस्कस करना चाहता था भाई, ये कोई व्लॉग नहीं है कुछ नहीं है, ये एक स्टोरी थी, ये स्टोरी व्लॉग कह सकते हो आप लोगों, आप लोग इसको, कि अभी मैं थार चला के आया ना, मुझे वही सब याद आ गया यार थार से, कि वो पुरानी वाली थार थी उसमें कैसे गोलियों के निशान थे, कैसे उसका बम्पर में उसके वो थे, बोनट पे थे, मतलब अंदर से भी शीशे टूटे हुए थे। पर भाई अंश भैया ने वो इतनी बढ़िया कस्टमाइज करी है ना वो गाड़ी, क्या से क्या बना दी उन्होंने, मतलब सेरेमिक कोट हुई है उस पर, रस्टिंग वगैरह जिसकी वजह से उस पर रस्टिंग वगैरह ना आई। बाकी भाई जो गाड़ी का रेडिएटर था वो भी चेंज हुआ है, उसमें भी बुलेट्स लगी थी, और रस्टिंग वगैरह के लिए सेरेमिक कोट हुआ था जो कि अब बहुत अच्छे से हो गया, चमक के गाड़ी वापस जा चुकी है। सारे लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को प्यार देना, और भाई के लिए आज भी जस्टिस प्रे करना, और भाई कमेंट्स में स्पैम कर दो @ सिद्धू मूसेवाला ऑफिशियल, और हार्ट आगे उनके लगा दो, प्यारे प्यारे कमेंट्स करो भाई के लिए, और थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो डैडी कस्टम्स, लॉट्स ऑफ लव। और अगर वो ना होते, उनसे मेरा अच्छा संपर्क ना होता, तो शायद मैं कभी इनकी थार देख भी नहीं पाता, पर थैंक यू सो मच अंश भैया को, थैंक यू सो मच, बस यही कह सकता हूँ मैं तो। बाकी इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को हैंड। कोई ऐसा खास रिव्यू नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ना कोई व्लॉग था, ये बस एक इमोशन थे कि जो भाई मैं शेयर करना चाहता था सबके साथ, कि लोग देख रहे थे इंस्टाग्राम पे कैसे मैं, मतलब काफ़ी, मतलब मेरी नॉर्मल स्टोरी पे कम व्यूज़ आते हैं, जिस दिन मैंने वो स्टोरी डाली ना ट्रिपल व्यूज़ आए थे मेरी नॉर्मल स्टोरी से, आप ये सोच लो। जैसे अगर मैं मान लो मेरे 1000 व्यूज़ आते हैं तो उस दिन 3000 आए थे, अगर मेरे 10000 व्यूज़ आते हैं तो उस दिन 30000 व्यूज़ आए थे, ऐसे मतलब ट्रिपल का वो फर्क था उस दिन जब मैंने भाई की वो डाली। तो काफ़ी लोगों के मन में थी ये बात कैसे मिला, तो आज मैंने भाई अपने दिल की बात शेयर करी। तो करते हैं इसी वीडियो को एंड, होपफुली वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लव देना, कोई हेट मत फैलाना भाई भाई के नाम पे, और बस प्यार देना। और ऑटो डैडी कस्टम्स का आपको लिंक मिलेगा अपने डिस्क्रिप्शन में, जाके सब्सक्राइब कर लो। बाकी उनका इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको भी जाके फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच।